Good morning, students. How are you all? Hope you all are good at home. As you know, we have already completed our lesson 6, Mountaineers, and today we will do book exercises, post reading, vocabulary expansion, activity 2, make meaningful sentences of the words given below. एक्टिविटी टू दे विच नीचे तुहानू कुछ वर्ड्स दिते हुए आ ते उन्हां दे तुसी मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाउणे आ, ठीक है। एक्टिविटी टू नंबर 1 सी लेवल। हाँ जी, सी लेवल का सेंटेंस लिखो। द विलेज इज 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। पिंड समुद्र के पद्धर तो या समुद्र के तल तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। नंबर 2 अचीवमेंट। दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिज फैमिली। ये उसके परिवार लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। नंबर 3 माउंटेनियर। शी वॉन्ट्स टू बी अ माउंटेनियर। वो पर्वत आरोही बनना चाहती है। समिट। वी मैट दैम एट द समिट। असी उन्होंने चोटी ते मिले। नंबर 5 एक्सपीडिशन। दिस एक्सपीडिशन विल बी एक्सपेंसिव। ये मुहिम बहुत ज़्यादा खर्चीली होगी। नंबर 6 फेलिसिटेटेड। आई वॉज फेलिसिटेटेड बाई माई बॉस। मैनू मेरे बॉस द्वारा सम्मानित किया गया। नंबर 7 डेडिकेटेड। ही इज़ अ डेडिकेटेड पर्सन। नंबर 8 एक्लाइमेटाइजेशन। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इनएडिकेट एक्लाइमेटाइजेशन। वो अणउचित स्थितियों विचों गुजर रहा है। नंबर 9 स्टार्व्ड। होल कम्यूनिटीज स्टार्व टू डैथ ड्यूरिंग द लोंग ड्रॉट। सारिया कम्यूनिटीज़ नू लंबे सूखे दे दौरान भुखे मरना पिया। नंबर 10 एडवेंचरस। दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ स्टाइल। उन्हों का लाइफ स्टाइल जीवन का तरीका बहुत साहस भरपूर है ज साहसपूर्ण है। एक्टिविटी 3 लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। रीड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम नीचे लिखे क्वेश्चन के तुम आंसर देने। हाँ जी, नंबर 1 हू वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से चढ़न वाला पहला भारती कौन सी। आंसर द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट वॉज कैप्टन अवतार सिंह चीमा। पहला भारती जोड़ा कि माउंट एवरेस्ट से चढ़े से उन्होंने नाम की सी कैप्टन अवतार सिंह चीमा। क्वेश्चन नंबर 2 हू लेड द 1965 इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की मुहिम जी 1965 वाली उसकी अगवाई किसने की। आंसर कमांडर एम एस कोहली लेड द 1965 इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट। कमांडर एम एस कोहली ने 1965 की भारतीय मुहिम जी एवरेस्ट से जाने वाली उसकी अगवाई की। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन रीच द पिक। पहले भारती चोटी ते कदों गए सी। आंसर ही रीच्ड द पिक ऑन May 20, 1965। ते ओ 20 मई 1965 नू चोटी ते पहुंचे सन। नंबर 4 विच अवार्ड्स डिड कैप्टन चीमा रिसीव। कैप्टन चीमा नू केड़े केड़े अवार्ड जड़े सी मिले सी। आंसर ही रिसीव्ड अर्जुना एंड पद्मश्री अवार्ड्स। उन्होंने अर्जुन के पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द ऑक्सीजन स्टार्व्ड एरिया ऑफ द माउंटेन्स कॉल्ड। हाँ जी, ऑक्सीजन स्टार्व्ड एरिया जोड़ा होंगे माउंटेन्स का पहाड़ों के आप एरिया कहने। आंसर इट इज़ कॉल्ड डैथ जोन। इसनू डैथ जोन कहा जाता है। हाँ जी, नैक्सट इज़ एक्टिविटी 4 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4। नीचे 4 ऑप्शन दिखाई हुई हैं जी उन्होंने बिल्कुल ठीक है उन्होंने तुम चूज करना। उन्होंने टिक कर दो या उपर फिलअप जी दी हुई है ब्लैंक वो फिल कर दो। नंबर 1 द हाईएसट पॉइंट ऑन द प्लैनेट इज़ डैश। हाँ जी, अपने ग्रह के उत्ते सब तो उच्चा पॉइंट कौन सा। आंसर की आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। नैक्सट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लैवल इज़ डैश। हाँ जी, हम सी लैवल तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जी कि हैगी 29,028 फीट। क्वेश्चन नंबर 3 द फर्स्ट पीपल टू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट वर डैश। हाँ जी,
ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਰ ਐਡਮੰਡ ਹਿਲੇਰੀ ਅਤੇ ਤੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4, ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਸਮਿਟ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵਾਜ਼। ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਡੀ, ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਨੰਬਰ 5, ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਾਜ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੂ ਸਕੇਲ ਦਾ ਪੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ? 16th। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਬੋਥ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਕੋਹਲੀ ਵਰ ਫੈਲੀਸੀਟੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਡੈਸ਼। ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ। ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਜ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਐਵਰੈਸਟ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1965। ਨੰਬਰ 8, ਦਾ ਰੂਟ ਬਿਟਵੀਨ 26,000 ਟੂ 29,000 20 ਫੀਟ ਇਜ ਕੋਲਡ ਦਾ ਡੈਸ਼। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡੈਥ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਆਰ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਨਾਊਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਊਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵੈਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਅ ਨਾਊਨ ਔਰ ਅ ਨਾਊਨ ਫਰੇਜ਼। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਨਾਊਨ ਫਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਊਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵਰਡ ਸੱਚ ਐਸ ਦੇ, ਸ਼ੀ, ਹਰ, ਹੀ ਐਂਡ ਇਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਨਾਊਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨਿਊ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਆਏ, ਯੂ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਯੂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟੋਕਿੰਗ ਟੂ ਵਨ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟੋਕਿੰਗ ਟੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਰਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬੋਕਸ ਬਿਲੋ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੈਟ ਫੋਲੋ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਫਸਟ ਕੋਲਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਨੰਬਰ 1, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਗਰਲ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਡੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਬਲੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਰ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੂਡ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਕੈਨ ਆਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3, ਰਾਜ ਐਂਡ ਰੀਮਾ ਆਰ ਲੇਟ, ਡੈਸ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਹਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਲੇਟ ਹਨ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦੇ। ਨੰਬਰ 4, ਹੀ ਗੇਵ ਡੈਸ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਿਫਟ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮੀ। ਨੰਬਰ 5, ਬਫਲੋਜ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸੋ ਡੈਸ਼ ਈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੂਡ, ਬਫਲੋਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 6, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹਾਰਡ ਬਿਕੋਜ ਡੈਸ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਟੁਮੋਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ। ਨੰਬਰ 7, ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ,
Number 8. My new neighbors are very helpful. I really like them. Number 9. I want to read my book. Where did you keep dash? मैं किताब पढ़नी चाहुंदा हाँ, ते तुसी ए किथे रखी? Where did you keep it? Number 10. I'm busy right now. मैं हुण व्यस्त हाँ. Could you please call me after an hour? कि तुसी मैनू अद्धे घंटे बाद कॉल कर सकदे हो? ठीक है. Could you please call me? 11 number. He gave me a pen, but I lost it. उसने मैनू पेन दिता सी पर मैं गवा दिता. Number 13. We gave money to the shopkeeper and he gave dash milk. असी दुकानदार नू पैसे दिते ते उन्हें सानू मिल्क देता. He gave us milk. 14 number. I don't eat junk food because dash isn't healthy. मैं जंक फूड खाना पसंद नहीं करता क्योंकि ए सेहत लई ठीक नहीं हुंदा. It because it isn't healthy. Number 15. Who is she? वो कौन है? Do you know dash name? Her name. ठीक है. So ए filling the blank सी, तुसी कर लियो. हाँ जी. Next is learning to listen. Activity 6. Your teacher will speak some words from the passage. Listen carefully and find the words in the grid below and encircle them. The first one has been done for you. हाँ जी. हुण नीचे जिहड़ा ग्रिड दिता आ इहदे विच लैसन दे विचों ही काफ़ी वर्ड्स जिहड़े आ उह दित्ते होए आ ते तुसी उहनां नूं फाइंड आउट करना. ठीक है. मैं तुहानूं इहदे विचों कुछ वर्ड्स बोल दिंदी आ ते तुसी इहदे विचों देखणा उह कित्थे हैगे आ. ठीक है. एक तां इहदे विच वर्ड हैगा आ एक्लाइमेटाइजेशन, उह तुसी लभणा ओरिजिनली आ जां वर्टिकली आ. ठीक है. नैक्सट है समिट, माउंटेनियर, फेलिसिटेटेड, एक्सपीडिशन. ठीक है. ये कुछ वर्ड्स है. तो इस तो अलावा होर भी है जोड़े कि चैप्टर के विच ही आ. ठीक है. तो तुम ट्राई करने उन्होंने लगन की. ओके. लर्निंग टू स्पीक एक्टिविटी 7. Let us practice some tongue twisters. Your teacher will say a word or a phrase or a sentence. You will repeat after your teacher. हाँ जी. चलो आप कुछ टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं. तुहाडे टीचर एक वर्ड बोलेंगे या फ्रेज बोलेंगे या सेंटेंस बोलेंगे, तुसी उन्हां दे पिछे पिछे बोलोगे. एग्जाम्पल, टीचर ने बोलना, टीचर सी श्योर. स्टूडेंट्स ने बोलिया सी श्योर. टीचर बाय द सी श्योर. स्टूडेंट्स बाय द सी श्योर. टीचर सी शेल्स बाय द सी श्योर. स्टूडेंट्स सी शेल्स बाय द सी श्योर. टीचर शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी श्योर. स्टूडेंट्स शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी श्योर. नाउ प्रैक्टिस द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर्स विद योर टीचर. नीचे कुछ होर टंग ट्विस्टर्स दिते हुए, इन्हों की भी तुसी प्रैक्टिस करनी है. नंबर 1. रेड लैदर येलो लैदर. रेड लैदर येलो लैदर. रेड लैदर येलो लैदर. नंबर 2. किटी कॉट द किचन इन द किचन. किटी कॉट द किचन इन द किचन. नंबर 3. नॉट दीज थिंग्स हियर बट दोज थिंग्स देयर. नॉट दीज थिंग्स हियर बट दोज थिंग्स देयर. नंबर 4. आई कैन थिंक ऑफ 6 थिन थिंग्स बट आई कैन थिंक ऑफ 6 थिक थिंग्स टू. नंबर 4. आई कैन थिंक ऑफ 6 थिन थिंग्स बट आई कैन थिंक ऑफ 6 थिक थिंग्स टू. नंबर 5. द बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द लिटिल बीटल बिट द बिग बग बैक. द बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द लिटिल बीटल बिट द बिग बग बैक. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है. तुसी बोलन दी प्रैक्टिस करनी है ना. ठीक है. अपने फ्रेंड्स के नाल इन्हां नूं बोलन दी प्रैक्टिस करनी है. सो ए सी तुहाडा बुक एक्सरसाइज. तो आप नैक्सट वीडियो नैक्सट एक्टिविटीज़ इस लैसन दियाँ करांगे क्योंकि ये चैप्टर दियाँ बुक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा. सो एक कवर नहीं हो रही है. सो नैक्सट करांगे. ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट.